Yes, children, let us continue our lecture. This is question number 3, exercise 20th A, class 9th. Question number 3 is ABC is a triangle in which AB is equal to AC. What is given? This side is equal to this side is equal to 4 cm. Measure also given. Ki 4 cm, its measure also 4 cm. Theek hai? And angle A is 90 degree. What is given? Angle A is how much given? 90 degree. Theek hai? Angle A 90 degree diya hua. Means this is our if 90 degree angle given, it is right angle triangle. So right angle mein this would be the base and this will be the height. ठीक है, तो area of triangle A B C, what would be the area of triangle? कहते calculate first the area of triangle. तो simply it is understood, no, this is right angle triangle. तो we can apply the formula half into base into height. तो ये base हो गया, ये height होगी. तो क्या formula होगा? Half into base into height. तो half into base की value कितनी है हमारे पास? 4 cm. Put it over here. Height कितनी है हमारे पास? 4 cm. Put it over here. ठीक है, ये 2 से 2 कट गया. ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट? 8 cm². एरिया वी कैलकुलेटेड, ना, काम खत्म. सेकंड पार्ट, इट इज आस्क्ड फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी. कहते हैं ये हाइट पता करिए. अब जिस चीज से हाइट ड्रॉप की होती है किसी साइड पे, वो साइड क्या होती है? बेस होती है. इसमें जहां से कोई भी हाइट ड्रॉप की होती है, हाइट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता है किसी साइड पे, वो ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा होता है, तो वो साइड क्या कहलाती है? उसकी बेस. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये हाइट है तो बेस इज बी सी. ठीक है, बट पूरी ट्रायंगल में देखो, यू आर नॉट गिवन द मेजर ऑफ साइड बी सी, है ना? साइड बी सी इज नॉट गिवन. तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट साइड बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर द ट्रायंगल बी ए सी और सी ए बी. किसी भी तरह का उसका सीक्वेंस देख लो, बट फाइंड आउट बी सी. इन दिस केस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी इज द बेस, ए सी इज द परपेंडिकुलर एंड बी सी इज वट कॉल्ड हाइपोटेनियस. तो इफ वील यूज द पाइथागोरस थ्योरम, वट वुड बी द रिजल्ट? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. लेट अस सपोज कि हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है? एक्स. ठीक है, इफ वील यूज द फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस वी सपोज बी सी था ना, ये एक्स स्क्वायर, तो ये 4² + 4² जस्ट सॉल्व इट आउट एंड यू विल गेट एक्स की वैल्यू इज √32. तो √32 व्हेन कन्वर्टेड इनटू प्राइम फैक्टर्स, तो देखो पेयर की स्क्वायर रूट की कंडीशन फुलफिल हो रही है, पेयर बन रहे हैं. यस, इस पेयर में से सिंगल 2 विल गो आउट, इस पेयर में से सिंगल 2 विल गो आउट, वट इज लेफ्ट? √2. ठीक है, तो क्या बन गया? एक्स इज 4√2. ठीक है, अभी एक्स वी गॉट, वट इज एक्स? बी सी. बी सी पता कर ली हमने, 4√2, और ए डी हमने पता करना है लेंथ ऑफ द ये हाइट. ठीक है, तो इन ट्राइंगल सी ए बी, तो फॉर्मूला यूज वुड बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. जिस साइड पे परपेंडिकुलर है या हाइट ड्रॉप हो रही होती है, मीट कर रही होती है, वो हमारी बेस होती है उस केस में. ठीक है, तो फॉर्मूला यूज वुड बी हियर व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो एरिया दे रखा है हमने, एरिया है ना 8, हमने फाइंड किया था 8, हाफ इंटू बेस अभी फाइंड करके आए हैं 4√2 इंटू हाइट. ठीक है, अब ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 8 इज इक्वल टू 2√2 एच हो गया. तो एच फाइंड करना है, 2√2 नीचे चला गया, 2 से 8 कट हो गया, 4 क्या आया? हाइट इज इक्वल टू 4√2. ठीक है, लेकिन हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में किया था कि किसी भी टर्म में डिनोमिनेटर पार्ट में रूट नहीं होना चाहिए. इफ़ रूट इज प्रेजेंट, अवर फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव दैट रूट. एंड हाउ इट कैन बी रूट रिमूव्ड बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन. तो एच कितना गया? 4√2 इंटू √2/√2. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करिए, 4√2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हाइट इज 2√2. ठीक है, अभी 2√2 की वैल्यू, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41. जस्ट पुट इट ओवर हियर, दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन. तो 2 × 1.41 को जब मल्टीप्लाई किया, द रिजल्ट इज 2.82. ओके, ना सम नंबर देखो जी. फोर्थ, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सी व्हाट इज गिवन? इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री. सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं और ऑल साइड्स का मेजर क्या होता है? सेम होता है. दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल. इज एरिया इज गिवन 36√3, इट इज गिवन टू अस सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पैरीमीटर. तो पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. तो साइड्स तो दी नहीं हुई, तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द साइड फर्स्ट ना, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट पैरीमीटर. तो वट इज द बेस्ट पार्ट हियर? एरिया गिवन. तो दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर. √3 साइड स्क्वायर बाय 4. वट इज द फॉर्मूला? √3
बाय फोर कर दीजिए एंड साइड स्क्वायर, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड साइड ना, टू फाइंड आउट द पैरीमीटर वी विल यूज साइड। तो आपको एरिया कितना दे रखा है, एरिया इज 36√3 एंड √3 बाय फोर साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर हमने साइड स्क्वायर रखे बिकॉज वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 36√3 इनटू ये क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया 4/√3, √3 से √3 कैंसिल, 36 4 जा ये रख लिया हमने साइड। अब ये स्क्वायर है, इधर आके क्या बन गया स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर था ना, इधर आके दूसरी साइड जाके ट्रांसपोज किया तो इट बिकम स्क्वायर रूट। अभी देखो स्क्वायर रूट की क्या कंडीशन होती है कि उसमें पेयर होना चाहिए। तो व्हेन वी आर गोइंग टू ब्रिंग द पेयर्स इनसाइड, 36 का पेयर क्या होता है 6 6 36, 4 कैन बी रिटन 2 2 4। तो ये इसमें से 6 का पेयर बन गया, इधर से 3 2 का पेयर बन गया, फ्रॉम दिस पेयर 6 विल गो आउट एंड फ्रॉम दिस पेयर 2 गोन आउट, तो 6 2 12। तो साइड कितनी आ गई 12 एंड वी नो दिस इज एज दिस इज इक्वल टू ट्रायंगल, तो हर एक साइड का मेजर सेम होगा 12 12 12, ठीक है। तो वी कैन फाइंड आउट द पैरीमीटर, पैरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स वो क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मैंने 12 + 12 + 12 एंड 36 इज द आंसर। सेंटीमीटर में होती है पैरीमीटर, लेंथ होती है तो सेंटीमीटर में रहेगा या मीटर में रहेगा, तो ठीक है समझ लग गया। तो रूट ये आपको याद करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सी व्हाट इज गिवन, आइसोसेलेस ट्रायंगल, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच द मेजर ऑफ टू साइड इज सेम, दो साइड्स का मेजर इक्वल होता है आइसोसेलेस में, ठीक है। विद द पैरीमीटर दिस, अब पैरीमीटर दे रखा है मीन्स पैरीमीटर लेंथ दे रखी है, सम ऑफ ऑल साइड दे रखा है 36 सेंटीमीटर एंड बेस इज 16 सेंटीमीटर, ये हमारी फिगर बन गई। तो बेटर वे टू इज टू फर्स्ट यू शुड ड्रा फिग ट्राइंगल देन राइट द डायमेंशन ओवर देयर। तो अभी देखो ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों साइड सेम होंगी, कोई भी दो साइड सेम मान लीजिए, यहाँ पे क्या है बेस इज 16 सेंटीमीटर, तो बेस बी सी है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर ट्राइंगल स्टैंड कर रही होती है, दैट इज वॉट कॉल्ड बेस। लेट अस सपोज ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये दोनों साइड सेम होंगी ना आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो वी सपोज इसका मेजर भी एक्स है इसका मेजर भी एक्स है एंड बी सी गिवन 16 सेंटीमीटर, पैरीमीटर गिवन 36 सेंटीमीटर। वी नो वट इज पैरीमीटर, सम ऑफ होल साइड्स मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए, जस्ट एड अप दीज टू दीज थिंग दीज डायमेंशन, तो एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 2x + 16 = 36, 16 उधर चला गया 2x = 36 माइनस 16 करिए क्या आ गया 2x = 20, तो x कितना आ गया 20/2 मीन्स 10, तो x कम्स आउट टू 10, इट मीन्स ए बी की लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर, बी ए सी की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ओके। देन इट इज आस्क की फाइंड द एरिया, अभी एरिया भी फाइंड करना है। नाउ यू हैव द डायमेंशंस विद यू, है ना, यू नो बेटर इसको कैसे लिखते हो, ए बी ए प्लस बी सी, ठीक है, वैल्यूज लिख ली, फिर यूजिंग हीरो फॉर्मूला वी कैन सॉल्व ना, एज द डायमेंशंस आर गिवन, लेंथ साइड की दी हुई हैं। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करिए, यू ऑल नो कि सम ऑफ ऑल साइड्स बाय टू, देन एरिया का फॉर्मूला यूज करिए, यू हैव टू राइट द फॉर्मूलाज फर्स्ट, ठीक है, देन यू विल पुट द वैल्यूज। फिर अगर स्क्वायर रूट में फिर उसकी कंडीशन पूरी करवाइए कि देयर शुड बी द प्रेजेंट ऑफ रूट। अब देखो 8 का तो बन गया सीधा पेयर, ठीक है, अब 2 का पेयर बनाना है तो इसको कैसे लिख सकते हो, 9 2 18, 2 का पेयर भी बन गया, तो 9 कैसे लिखा जाएगा, 9 अकेला रह गया, 9 कैन बी रिटन एज 3 2 3। अब इस पेयर में से 3 गोन आउट, इसमें से 2 गोन आउट, इसमें से 8 गोन आउट, डू मल्टीप्लाई यू विल गेट द एरिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सी विच ट्रायंगल इज गिवन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग द स्टेटमेंट कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, वट इज गिवन, बेस गिवन, जिस पे ट्रायंगल स्टैंड कर रही होती है वो बेस होता है हमेशा, ये दिया हुआ है एंड इट्स एरिया इज 192, इसका पूरा एरिया कितना दिया हुआ 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स पैरीमीटर, तो पैरीमीटर के लिए हमारे पास साइड्स का होना जरूरी है बिकॉज पैरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स बट दिस साइड्स आर नॉट गिवन। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एक की पता लगी दूसरी की खुद ब खुद पता लग जाएगी। तो एज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो ए बी एंड बी सी हमने एक्स एक्सिस सपोज कर लिया, ये भी एक्स है ये भी एक्स सपोज कर लिया, बी सी इज गिवन 24 सेंटीमीटर, एरिया ऑल्सो गिवन। तो जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद किया है ना कि फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो √3/4 साइड स्क्वायर है ना, वैसे ही देर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/4, वो 3/4 था ना, ये 1/4 इनटू बेस, जो भी बेस होगा रूट ओवर 4 इनटू साइड, जो इक्वल साइड होंगी साइड स्क्वायर, जो आइसोसेलेस की इक्वल साइड होंगी उस साइड स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। लेट अस रिवाइज, एरिया क्या होता है 1/4, इक्विलेटर का क्या था 3/4, इसका क्या है a/4 इनटू बेस
इंटू रूट ओवर शुरू कर लेना है, जो इक्वल साइड होंगी एक्स फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। यू हैव एरिया गिवन टू यू, यू हैव वैल्यू बेस ऑल्सो, तो पुट इट ओवर हीयर। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अभी यहाँ पे कटिंग कर लीजिए, यहाँ पे कटिंग कर ली आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी। 192 × 4/24 कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू रूट ओवर ये रह गया। इसकी कटिंग की तो वी गॉट 32 दिस साइड, सो वी आर हैविंग 32 इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में ये रह गया। अब स्क्वायर इसका, इसकी वैल्यू कहती है 1/√, है ना। स्क्वायर रूट जब उधर जाता है क्या बनता है, स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आता है या उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। जब स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो ये 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 थी, जब उधर जाएगी क्या बन गई, स्क्वायर। 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। 32 का स्क्वायर क्या होता है, मीन 32 × 32, तो वो क्या है 1024 इज इक्वल टू दिस। अभी ये लाइक टर्म कलेक्ट कर लीजिए, ये उसको उधर लेके गए, ट्रांसपोजिंग करते हो, इट विल टेक सेकंड प्लेस एंड इट्स साइन विल चेंज। माइनस क्या बन गया, प्लस। डू एडिशन दिस 4x2। ठीक है, अभी 4 से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 400। देखो कैसे लिखा जा सकता है, 20 × 20 यहाँ सीधा भी लिख सकते हो, 2 × 4 × 10 का 10 × 10। वैसे इसकी 20 × 20 दिख रहा है, पेयर बन गया। एक्स कितना बन गया, 20 सेंटीमीटर। तो ए बी और ए सी जो सेम साइड्स लेंथ थी वो क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना था, पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो वो क्या बन गया, 20 + 20 + 24। डू एडिशन, यू विल बी एट योर डेस्टिनेशन।